संयुक्त किसान मोर्चा के आंदोलन वापस लेने के फैसले की जानकारी मिलने के बाद ही पिछले एक साल से टीकरी बॉर्डर पर बैठे और डेरा डाले हुए सैकड़ों किसान आज अपने घर के लिए रवाना होने लगे हैं। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा ने घोषणा करते हुए कहा था कि वे 11 दिसंबर को विजय दिवस मनाने के बाद घर वापस जाएंगे। पहले जत्थे में जो लोग अपने घर लौटे हैं वे पठानकोट, अमृतसर, तरनतारन, गुरदासपुर, होशियारपुर और फिरोजपुर जैसे दूर दराज के स्थानों के थे, जबकि उनमें से अधिकांश ने कल सुबह जल्दी वापस जाने के लिए अपना सामान पैक किया है। जब मन से संयुक्त किसान मोर्चा के फैसले की घोषणा की गई थी तो किसानों ने अपनी जीत का जश्न मनाया था। भारतीय किसान यूनियन के एक वरिष्ठ नेता परगट सिंह ने पुष्टि करते हुए कहा है कि सैकड़ों किसान, विशेष रूप से दूर दराज के किसान, आज घर के लिए रवाना हुए। उन्होंने आगे यह भी कहा कि पंजाब के रास्ते में ट्रैफिक जाम की समस्या हो सकती है, इसलिए इन किसानों ने इस तरह की किसी भी समस्या की संभावना को रोकने के लिए आज घर लौटना पसंद किया। उन्होंने आगे यह भी कहा कि कल किसान न केवल अपना सामान बांधकर ट्रेलरों को लेकर और अन्य वाहनों पर लादेंगे बल्कि सीमा पर साफ सफाई भी सुनिश्चित करेंगे, जैसा कि तय किया गया था। संयुक्त किसान मोर्चा के निर्णय के अनुसार अधिकांश किसान शनिवार को पंजाब के लिए रवाना होंगे। भारतीय किसान यूनियन ने बहादुरगढ़ शहर और अन्य आसपास के स्थानों के लोगों की मदद के लिए भी उनका आभार व्यक्त किया। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए पंजाब केसरी.com के साथ।